दल बदलू मौसम हुआ, राजनीति का आया दौर, जिसको जहां जगह मिली उसने वही बना ली ठोर। ये कहावत तो सुनी होगी आपने, और जहां ये फिट बैठती है उसका नाम है राजनीति। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे ही ये दल बदलू नेताओं का दल सक्रिय हो जाता है। और अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और एक बार फिर से इन नेताओं का दल सक्रिय हो गया है। गहलोत गुट के कुछ नेता अब कभी भी पासा पलट सकते हैं। कहां जा रहे हैं अपना दल बदलकर ये नेता, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच आलाकमान से मिले संकेत को देखकर पार्टी के विधायकों को लगता है कि पासा अब कभी भी पलट सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट सीएम बनाए जा सकते हैं, इसीलिए वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर न केवल पायलट के खेमे में जाने लगे हैं बल्कि वे अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर भी होने लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, ये सभी को पता है। भाजपा ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस में आंतरिक खींचतान पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमों में चल रही खींचतान के बीच मंत्री और विधायक अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने लगे हैं। 2020 में कांग्रेस के सियासी संकट के समय गहलोत के साथ रहे विधायक भी अब पाला बदलने लगे हैं। जी हां, विधायक रघु शर्मा एक महीने में दो बार पायलट से मिल चुके हैं। कभी गहलोत के विश्वस्तों में शामिल रहे खिलाड़ी लाल बैरवा ने एक महीने में तीसरी बार पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। रोहित बोहरा, दानिश अब्रार और प्रशांत बैरवा जैसे गहलोत खेमे के विधायक पिछले कुछ दिनों से पायलट से मिल रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में NSUI के प्रत्याशी को हराकर अध्यक्ष बने निर्दलीय उम्मीदवार मनीष चौधरी ने पायलट के प्रति आस्था जताई है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का कहना है कि गहलोत को सीएम पद छोड़कर युवा पीढ़ी को अब कमान सौंप देनी चाहिए। युवाओं में पायलट भी शामिल है, गहलोत का पद छोड़ना पार्टी के हित में होगा। बैरवा ने कहा कि गहलोत सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति 100 साल तक की उम्र तक पद पर ही बना रहे। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव जीतना है तो पायलट को सीएम बनाना होगा। गहलोत को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालनी चाहिए। सोलंकी बोले, मैं सचिन के साथ। इस बीच कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी चाकसू में एक कार्यक्रम में कहा कि मैं पायलट के साथ हूं। गुर्जर समाज को मुट्ठी बंद करके अपनी ताकत का अब इस्तेमाल करना चाहिए, ये उन्होंने संदेश दिया था। उधर अब तक गहलोत के विश्वस्तों में शामिल रहे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना भी पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे हैं। पिछले सप्ताह जयपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। वो सीएम के कहने के बावजूद कार्यक्रम में मंच पर उनके पास तक आकर नहीं बैठे। वहीं दूसरी तरफ पायलट ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो मैंने सीएम पद छोड़ा था। ऐसे में आगे अगर किसी नेता को आलाकमान से कोई निर्देश मिलता है तो उसे वो निर्देश मानना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो अफवाहें चल रही हैं उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इसे लेकर इंतजार करना होगा और ये इंतजार अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा आप तक हम पहुंचाएंगे पूरी फुल अपडेट हमारे वीडियोस के जरिए, इसलिए हमारे वीडियोस को जरूर देखें। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है? लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।